हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप। तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 6 टमाटर, 1 छोटे साइज का प्याज, 3 फ्लेक्स लिए हैं मैंने लहसुन के, 8 से 10 दाने चाहिए इसमें काली मिर्च, ये मैंने लिया है दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक, ये मैंने लिया एक तेज़पत्ता, बे लीफ, और इसमें जाएगा 1/2 एप्पल। और इसको सॉटे करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अमूल बटर, आप चाहें तो आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टोमेटोज़ को धो करके अच्छे से काट लेंगे और प्याज और लहसुन को भी छील कर धो कर काट लेंगे। फ्रेंड्स, हाइजीन का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, जो भी हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उनको धो करके काटेंगे। और एप्पल हमें हाफ चाहिए, तो 1/2 एप्पल को भी टमाटर के साथ हम काट लेंगे। तो चलिए काट लेते हैं अपनी सब्जियों को। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टमाटर और सेब को काट लिया है और प्याज को छील करके लंबा लंबा काट लिया है और लहसुन को छील लिया है। अब सबसे पहले हम कुकर में बटर या घी, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, डालिए। ये गैस को कर दिया मैंने ऑन और अब हम इसमें डालेंगे बटर। बटर 1 स्पून भर करके डाला है मैंने। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी बनाना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक, ये इतना टुकड़ा ही काफ़ी है इसके लिए, और ये इसमें डाल दी मैंने 10 दाने काली मिर्च के। बटर हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन जो हमने छील करके रखा था, और इसको सॉटे कर लेंगे। ये जल्दी ही सॉटे हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमने 3 मिनट लगेंगे, 3 से 4 मिनट ये हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सेब जो हमने काट के रखा था। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें सेब की जगह आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टमाटर डाला है सूप को थोड़ा सा थिक करने के लिए, और टमाटर का फ्लेवर इसमें ज़्यादा बेटर लगता है। देखिए प्याज हमारे सॉटे हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और सेब जो कटा हुआ था, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। और अब डाल देंगे इसमें 500 ml के करीब पानी, और उसको प्रेशर कुक करने के लिए बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, 2 विसल आने तक हम इसको चलने देंगे। सूप को रख दिया हमने प्रेशर कुक होने के लिए, तो जब तक हमारा सूप तैयार हो रहा है, टमाटर गलेंगे, तब तक हम अपने क्रूटॉन्स कर लेते हैं रेडी ब्रेड के। इसके लिए मैंने लिया है 2 स्लाइस ब्रेड के, मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे, फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड क्रम्स काट लिए हैं, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चढ़ा देते हैं तेल कढ़ाई में, आप भी चढ़ाइए साथ साथ। ये तेल मैंने डाल लिया है कढ़ाई में, लग रहा है कि गर्म हो गया है, एक डाल करके देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम बाकी के क्रम्स अपने डाल के तल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें बाकी के क्रम्स भी डाल देते हैं। इसको हमें हल्का पिंक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रम्स हमारे हो गए हैं, अब हम इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी के क्रम्स भी तल लेंगे। टमाटर में भी प्रेशर आ रहा है, सूप भी हमारा तैयार हो रहा है साथ साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स हमारे हो गए रेडी। देखिए, टिश्यू पर निकालने से इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल गया है, आप देख सकते हैं। इन बिटवीन हमारे टमाटर के भी विसल आ गई है,
अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब टमाटर को हम खोल करके देख लेते हैं, प्रेशर निकल चुका है। देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, अब हम इन्हें छान लेंगे। ये मैंने टमाटर को छान लिया है। अब इसमें जो हमने तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक दालचीनी की टुकड़ा डाला था वो हम निकाल लेंगे, इसको साथ में नहीं पीसेंगे। अब पहले इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। फ्रेंड्स अगर हम गरम गरम पीसेंगे तो उससे मिक्सी का जार फट सकता है, तो हम इसे पहले ठंडा करेंगे फिर पीसेंगे। फ्रेंड्स मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिया है, अब हम इसे इसी पानी में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे छान लिया है बिल्कुल अच्छे से, अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको रख दिया है बॉयल करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे, ये 2 चम्मच चीनी ली है मैंने। चीनी जो है टमाटो का टैंगी टेस्ट जो होता है उसको बैलेंस कर देती है, तो हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। और ये मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है। अगर आपको मिर्ची और तेज़ पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च पिसी हुई और डाल सकते हैं। वैसे तो हमने पहले साबुत मिर्च डाल दी थी जो कि टमाटरों के साथ बॉयल हो गई है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। एक उबाला आ जाए फिर हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे गैस का। ये देखिए फ्रेंड्स बॉयल आना इसमें शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए सूप बनकर हमारा रेडी है। कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है इसका। तो अब इसको निकाल लेते हैं सूप बाउल में और हो जाइए पीने के लिए तैयार गर्मा गर्म टमाटो सूप। तो लीजिए फ्रेंड्स सूप हमारा गर्मा गर्म बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके अपनी रसोई यानी कि सोनिया साइबर किचन में। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।